बारिश नहीं होने के कारण जहां लोग पानी की समस्या से परेशान हो रहे हैं, तो वहीं अब पानी की कमी लोगों के रोजगार पर भी असर डाल रही है। बारिश का मौसम शुरू हुए करीब एक माह से अधिक का समय हो चुका है, जिसके बाद आज सावन का माह भी प्रारंभ हो चुका है, लेकिन बीते दो सप्ताह से बारिश नहीं हो रही है, जिसके कारण भीषण गर्मी पड़ने लगी है, जिससे बाजारों में सन्नाटा छाया रहता है। वहीं पानी नहीं गिरने के कारण मजदूरों को भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मजदूरों का कहना है कि पानी नहीं गिरने से मकान निर्माण बंद हो गए हैं, जिसके कारण हम बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में हमारे सामने समस्या है कि हम अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करेंगे। महू से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। समस्या है यहाँ पे। किस तरह से समस्या आ रही है आपको काम में? गवर्नमेंट यहाँ का स्कूल नहीं कर रही, पानी घर वाले बोले बोरिंग बंद है, जिनके बोरिंग है वो काम चल रही है और यहाँ पे कोई आता भी नहीं है। अभी जो पेड़ से पेड़ के काम चलते उसी में हमारा गुजारा पालन पोषण उसी में होता है, वो भी मजदूरी नहीं मिल रही है। पानी तो काम चल रही है, मानसून नहीं बन रही है, इसके कारण यहाँ पे सब रोजी रोटी वाले सब खड़े रहते हैं, दूर दूर से आते हैं। बेतमपुर देने कहाँ कहाँ से लोग यहाँ काम करने आ रहे हैं, नहीं आता वह आदमी नहीं आ पाता है। पानी की वजह से फसलें मारी जा रही है, उससे मतलब हमारी मजदूरी मारी जा रही है। आदमी मतलब 100 आदमी आता है, यहाँ से 10 आदमी मजदूरी पर जाता है, 90 आदमी यहाँ पर कोटी होता है। ये पानी की वजह से, पानी का मानसिंग नहीं बन रहा है। अभी मार्केट की क्या स्थिति है? बिल्कुल ऐसे ढल पड़ा हुआ, बिल्कुल ऐसे बेचारे खड़े हो सब ये मेरा भाई। तब तो अभी रोज अभी ये स्थिति हो रही है, पानी निकल रहा है। कम से कम ये मान के चलो एक महीना हो गया, ये एक महीना हमारा ऐसे टूट गया पानी पानी के चक्कर, काम धंधा लग नहीं रही है।